नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अनिल और आप सभी देख रहे हैं टेकचीव यूट्यूब चैनल। यदि आप रिवर्स इंजीनियरिंग या मालवेयर एनालिसिस पर काम कर रहे हैं या इसको सीख रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। मैंने आपको पास्ट में कई तरह तरह के लिनक्स ओएस के बारे में बताया था, जैसे कि वाईफाई पेन टेस्टिंग के लिए वाईफाई सिलेक्स, ओएस एंड के लिए ट्रेस लैब आदि। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे लिनक्स ओएस के बारे में बताऊंगा जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग और मालवेयर एनालिसिस के लिए ही बना हुआ है। इसमें आपको एक से बढ़कर एक टूल प्री इंस्टॉल मिलेंगे जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग और मालवेयर एनालिसिस में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो बिना समय गवाए आइए स्टार्ट करते हैं। हम जिस ओएस के बारे में जानेंगे उसका नाम है रैमनक्स। ये एक वन टू बेस्ड मालवेयर एनालिसिस और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए टूल किट है। इसमें आपको आरई और मालवेयर एनालिसिस में काम आने वाले कई सारे फ्री टूल्स, स्क्रिप्ट्स आदि प्री इंस्टॉल मिल जाएंगी जिनको आप डायरेक्ट ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये ओएस किसी खजाने से कम नहीं है। इसमें आपको काफ़ी यूज़फुल टूल प्री इंस्टॉल मिल जाएंगे और आप इस ओएस को इजीली अपने वर्चुअल मशीन या अपने पहले से इंस्टॉल वन टू एस पर इंस्टॉल कर सकते हैं या आप इसको डॉकर कंटेनर की मदद से भी इंस्टॉल कर पाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको कैसे इजीली इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं और आपको इसमें किस तरह के टूल्स मिलते हैं। तो मैं इसको अपनी वर्चुअल मशीन पर इंस्टॉल करूंगा। इसके लिए आप क्लिक कर दीजिए डाउनलोड पर। तो आप यहां से वर्चुअल मशीन के लिए इसकी ओवीए फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहां पर जनरल ओवीए फाइल मिल जाएगी जिसको आप वीएमवेयर आदि पर यूज़ कर सकते हैं। यदि आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो यहां पर भी इसके लिए एक अलग से ओवीए फाइल दे रखी है, आप इसको यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसकी जनरल ओवीए फाइल को अपने सिस्टम पर पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। ये करीब 5 GB की इमेज है। तो अभी हम इस ओवीए फाइल को अपने सिस्टम पर इंपोर्ट कराएंगे। इसके लिए आपके पास वीएमवेयर पहले से इंस्टॉल होना चाहिए, फिर उसके बाद आप इसको आप डायरेक्ट ही ओपन कर सकते हैं। आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर इंपोर्ट के ऑप्शन आ जाएंगे कि आप इसको अपने सिस्टम पर कहाँ पर इंपोर्ट कराना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। उसके बाद आप इसको यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये ओवीए फाइल आपके सिस्टम पर इंपोर्ट हो जाएगी और यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी। इसके लिए आपके सिस्टम के अंदर कम से कम 20 GB की फ्री स्पेस रहनी चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पर इस ओएस का यूज़ कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पर ये इंपोर्ट हो रहा है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जब तक के लिए यहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ और ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगी हम वापस से रिज्यूम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पर हमारे सिस्टम पर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है। अभी हम यहाँ पर इसको रन करा सकते हैं। आप यहाँ पर वर्चुअल मशीन की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी रिसोर्सेज को यूज़ करेगा। आप इसको अपने हिसाब से कॉन्फिगर भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर मेमोरी कितनी रखना चाहते हैं, प्रोसेसर कितने यूज़ करना चाहते हैं, डिस्क स्पेस कितनी यूज़ करना चाहते हैं, नेटवर्क कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ पर अपने सिस्टम के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये सब सेट करने के बाद आप इसको रन करा दीजिए तो यहाँ पर ये बूट होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर इसका यूज़ कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर ओएस का छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और आपको यहाँ पर किस तरह के टूल्स मिलते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर उबंटू का 20.04 वर्जन यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये इसी पर बेस्ड है जिसमें कि रिवर्स इंजीनियरिंग और मालवेयर एनालिसिस में काम आने वाले काफ़ी सारे टूल्स को इंस्टॉल किया गया है, जिससे कि आपके काफ़ी समय की भी बचत होगी और आप यहाँ पर टूल्स का डायरेक्ट ही यूज़ कर पाएंगे। और ये देखिए, अभी यहाँ पर ये ओएस बूट हो चुका है, अभी हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको पहले फुल स्क्रीन पर कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर सही से दिखाई दे सके। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पर कौन सा कर्नल का वर्जन मिलता है। ये देखिए, आप यहाँ पर इसकी डिटेल देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा कर्नल यूज़ हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर ओएस की इन्फॉर्मेशन भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर वन टू एस इंस्टॉल है, 20.0.4.2 फोकल फोसा। तो इसका इंटरफेस यहाँ पर काफ़ी सिंपल सा ही है। यहाँ पर नोम डी को मॉडिफाई किया हुआ है। ये देखिए, ये इसके कुछ जीयूआई टूल्स हैं जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग और मालवेयर एनालिसिस में काफ़ी काम आते हैं, जैसे कि वर्प स्वीट, कटर, साइबर सेफ, गिधरा, JDGUI, वायर शार्क आदि। इनके अलावा भी आपको यहाँ पर बेसिक यूज़ में काम आने वाली एप्लीकेशंस भी मिल जाएंगी। तो अभी आप सोच रहे होंगे ये तो काफ़ी कम टूल्स हैं, पर दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पर टूल्स का खजाना मौजूद है। यहाँ पर मालवेयर एनालिसिस और रिवर्स इंजीनियरिंग में काम आने वाले काफ़ी सारे टूल्स मौजूद हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो आप यहाँ से जो भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर गिधरा टूल ओपन हो रहा है। ये टूल क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इस टूल का यूज़ कैसे किया जाता है। आपको यहाँ से एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो ऐसे आपको इसमें हजारों टूल मिल जाएंगे। ज़्यादातर टूल्स CLI बेस्ड ही हैं, आप उनको टर्मिनल की मदद से एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें किस टाइप के टूल मिलते हैं। आपको यहाँ पर फाइल की प्रॉपर्टी को एग्जामिन करने के लिए कई सारे टूल्स मिल जाएंगे। यहाँ से आप PE फाइल्स, एल फाइल्स को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर कई सारे डीऑफिकेशन के टूल भी मिल जाते हैं, जिससे कि आप किसी सॉफ्टवेयर के कोड को एनालिसिस कर सकते हैं कि वो कैसे वर्क कर रहा है।
इसके अलावा आपको यहाँ पर कई तरह के अनपैकर टूल मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप एग्जीक्यूटेबल बाइनरीज को अनपैक कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर स्टैटिक कोड एनालिसिस में काम आने वाले कई सारे टूल्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप PE फाइल्स, स्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, .NET, फ्लैश, एंड्रॉयड आदि के कोड को एनालिसिस कर सकते हैं और वहाँ से पता लगा सकते हैं कि उसमें कोई मालवेयर या कोई वायरस तो नहीं है। स्टैटिक कोड एनालिसिस के साथ साथ आपको यहाँ पर डायनेमिक रिवर्स इंजीनियरिंग के कोड भी मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर किसी शेल कोड, स्क्रिप्ट या एल्फ फाइल को लाइव ही एनालिसिस कर सकते हैं कि वो किस तरह से वर्क कर रही है। इसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारे टूल्स दे रखे हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मेमोरी फॉरेंसिक के टूल भी मिल जाएंगे, यहाँ से आप किसी मेमोरी के डंप को एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क इंटरेक्शन को एक्सप्लोर करने के लिए भी आपको टूल यहाँ पर मिल जाएंगे। नेटवर्क मॉनिटरिंग, कनेक्टिंग, सर्विस आदि के टूल यहाँ पर मौजूद हैं। किसी डॉक्यूमेंट को एनालिसिस करने के लिए भी आपको यहाँ पर कई सारे टूल मिल जाते हैं। आप इनकी मदद से किसी PDF फाइल, MS ऑफिस या ईमेल आदि को एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें कोई मालवेयर, शेल कोड या कोई मैलिशियस मैक्रो तो नहीं है जो कि आपके सिस्टम को नुकसान पहुँचा सकता है। तो ऐसे भी यहाँ पर काफ़ी सारे टूल मौजूद हैं। यदि आप इसके सारे टूल्स की डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इसके वेबसाइट पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर किस तरह के टूल्स मिलते हैं। यहाँ पर इनके अलग अलग कैटेगरीज दे रखी हैं, यहाँ से आप टूल्स को चेक कर सकते हैं कि आपको इसके अंदर कौन कौन से टूल्स मिलेंगे। उन टूल्स की आपको यहाँ पर बेसिक समरी मिल जाएगी, उनकी GitHub रिपोजिटरी, वेबसाइट आदि की लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इस OS के अंदर आपको कौन कौन से टूल्स मिलेंगे और कौन सा टूल क्या काम करता है, वो भी आप यहाँ से पता लगा पाएंगे। तो यहाँ पर टूल्स का पूरा खजाना मौजूद है जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग और मालवेयर एनालिसिस के लिए ही बने हुए हैं, और इन टूल्स को अपडेट करना भी काफ़ी आसान है। आप एक ही कमांड से इन सारे टूल्स को अपडेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आप सिंपल से कमांड लगाइए RAM NUX अपडेट, उसके बाद यहाँ पर अपडेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर जितने भी टूल्स हैं वो सब यहाँ पर एक एक करके अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टूल्स अपडेट हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर इसका डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड भी बता देता हूँ। इसका डिफॉल्ट यूज़र है RAM NUX और इसका पासवर्ड है मालवेयर। इसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आपका एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो आप cybertube.net को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मेरी काफ़ी सारी प्रैक्टिकल वीडियोज मिलेंगी जो कि यूट्यूब से डिलीट हो चुकी हैं। आप उन सबको यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा ताकि यहाँ पर मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, जल्दी ही मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के अंदर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।